Bağlayayım bir oyun arkadaşım. Yukarı yer ayı kemeresi. Peki, niçin biri kapatmanı geçiyor? Kapatmanı geçiyor. अच्छा जब मैंने आपको आईलिंक की इसकी अरुका हेयर आयल की तो इससे आपको क्या हुआ था एची शार्प सेंसेशन होती है लाइक लगता है जिसको हमारी लैंग्वेज में। लेकिन मैं आपको पहले भी की आप ही क्यों आपको यहाँ तो आपकी स्वेटिंग नहीं हुई नहीं थी नहीं नहीं हाँ नहीं हमसे एक मिनट एक मिनट, मुझे पहले पहले इस मैं आप लोगों को बता दूँ परसों मैंने इनकी हेयर आयलिंग की है वो ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही करते हैं हम लोग लेकिन इरोका हेयर ऑयल भी आजकल घर में आया हुआ है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ तो जिसको इन तारा मिला बोल, हाँ तारा तारा मिला। मिला तेल बोलते हैं तो वो मैंने इन पे जो ही यूज़ किया तो इनकी मसाज अच्छी तरह किया मैंने हमें 15 मिनट आए थे तो उसके बाद इन ये खुद ही बताते हैं कि क्या हुआ इनके साथ मेरे साथ एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइज कि मेरी स्किन सर की ऐसे थी जैसे को मेरे बाल पे ऐसे हाथ लगाता था तो ऐसे बंदा किसी ने जेल लगा के बालों को हार्ड नहीं किया होता ऐसे, और साथ मुझे हल्की हल्की पेन होती थी। तो वो उस वक्त तो मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या वजह है, क्यों इस तरह का है। लेकिन द अदर डे जब मैंने मतलब बात लिया तो उसके बाद मैंने नोट किया कि मेरी जो ऊपर वाली स्किन है, स्कैल्प स्किन जो है, वो सारी ड्राई हो गई। तो वो ऐसे जैसे स्नेक की स्किन ही उतरती, हम नेशनल ज्योग्राफी पे देखते हैं उस तरह का वो मेरे साथ। जायना की ना मैं पोनीटेल करा दी थी तो ये मुझे कहते हैं यार मेरे सर में ना जरा जायना का सर छोड़ दे जरा मेरा सर देखे मेरे सर में क्या है तो देखा तो स्किन जिस तरह उतरती नहीं है इतने मोटे मोटे जैसे शेल होते हैं वाइट कलर के और डैंड्रफ भी नहीं थी पता नहीं अजीब सी थी और बालों में से स्कल के अंदर वो जुड़े हुए भी थे कुछ नीचे भी इन्होंने खींचे ना हारिश करके उतारे थे वो बहुत ज्यादा थे और पीछे इनका जब डैंड्रफ होती है तो पीछे कम होती है आगे ज्यादा होती है लेकिन वो आगे की तरफ नहीं थे पीछे की पीछे थे, तरफ थे तो पता नहीं वो आयल जो है वो इनको कर गया है रिएक्शन कर रहे रिएक्शन कर गया है हैं। जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है वो इचिंग इनको और हार्ड फील होना शुरू हो गया तो आप लोग भी जब यूज करें तो ये देख लें कि आपको ये आयल सूट किया कि नहीं ये जो आयल है एक्चुअली ये हम स्ट्रॉन्ग लोग बहुत जो ज्यादा है प्योर जो तेल निकालने वाले हैं ना, हमारे जो इंडियन और पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि कोहलू होते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पे एक तरह का प्योर ताज़ा बनवा के लाता हूँ मैं। जब कभी मैं अपने हम लोग अपने होम टाउन विजिट करते हैं ना, गुजरा वाला हम तो लोग जाते गुजरा वाला हैं जब कभी हम जाते हैं तो वहाँ पे है कोहलू अभी भी। और हमारे सामने वो निकालते हैं भाई ना और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है तो शायद यही रीजन है लेकिन मुझे कि इसकी स्मेल थोड़ी डिफरेंट लग रही है। नहीं अब सेम है क्योंकि ये जब मैं यूज करती हूँ ना तो वैसे ही ये सेंसेशन हाँ शार्प और वैसे बड़ा ही। शार्प है थोड़ी देर बाद ही आपको जैसे वो चुभना नहीं शुरू हो जाता उस तरह से स्टार्ट हो जाता मुझे तो ये सूट किया मेरे तो बाल इससे जो है ना बालों का वॉल्यूम बड़ा हो इसकी वजह से ये भी मैं दोनों वैसे यूज कर रही हूँ मस्टर्ड भी कर रही हूँ अक्सर मेरी ऑडियंस पूछ लिया तो मैं जनाब मस्टर्ड भी यूज कर लेती हूँ लेकिन ये हो तो ये भी यूज कर लेती हूँ लेकिन चूंकि आजकल गर्मी है तो गर्मियों में स्वेटिंग बड़ी ज्यादा होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहाने से 1-2 घंटा पहले इसको यूज करूँ अगर आपने ओवरनाइट रखना है तो अगर तो आप ऐसे यूज करते हैं जिसके लिए तो ऑयलिंग बेस्ट है अगर आपने घर के होम चॉइस करने हैं तो उसके उससे ये होगा कि स्वेटिंग की वजह से ही ना ऑयल ज्यादा इरिटेट करता है ऐसे जैसे बालों में जुएं चलती हैं इस तरह से फील होते हैं उस जो ड्रॉप्स होते हैं ना स्वेटिंग ड्रॉप वो मूव करते हैं या साथ साथ ही ऑयली भी होता है सर तो बड़ा अजीब सा वो फील होता है ज्यादा देर नहीं रख सकते और लास्ट टाइम भी जब आपने मेरी वीडियो बनाई थी ना मैंने यही सूट पहना हुआ था लेकिन मेरे हस्बैंड की ड्रेसिंग और थी आप लोग ये ना कीजिएगा पुरानी वीडियो जो वो अपलोड हो
आज हमें एक कमेंट आया था रोज मलक पे, कह रही थी कि आप दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हैं जब हम ये फाइलिंग कर रहे हैं दूसरे तो आइलिंग कह रहे हैं उसे। मतलब उसने हमारे कपल को भी कहा था और बहुत से लोग हमारे कपल को कहते हैं कि अच्छा कपल और थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार का, आप लोगों की विशेष का, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहें, हमें कमेंट करते रहें ताकि हम मजीद आपके लिए वीडियोस बनाते रहें और आपको फीडबैक भी लेते रहें और अच्छे अच्छे फीडबैक। और मैं फिर इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों को लाइसिस की वीडियो नहीं पसंद आती तो आप लोग ना देखा करें, स्पेशली पाकिस्तानी आके इतने बुरे बुरे कमेंट करते हैं, आप लोग ना देखा करें, नहीं पसंद है आप कोई और वीडियो देखें। मैंने को मजबूर थोड़ा किया कि आप लास्ट में मेरी ये वीडियो देखें और आपको क्या उसका नाम है उसके ऊपर कमेंट करें। नहीं एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं ओबियसली ये ASMR से रेलिवेंट है। जिन लोगों को नहीं पता, हमें भी नहीं था पता कि ASMR क्या चीज़ होती है। ASMR एक फीलिंग है जो किसी विजुअल्स को देख के या साउंड्स को सुन के कुछ लोगों को फील होती है। कई लोगों को तो ये, हम लोग अगर ये दरवाज़ा है अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको स्क्रैच करते हैं तो कई लोगों को इस स्क्रैच के साउंड से प्रॉब्लम है, लेकिन कई लोगों को सेंसेशन होती है, गुड फीलिंग होती है इस साउंड से। इसी तरह किसी को खाते देख के क्राउच 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 की आवाज आती है उसे, कई होती है हाँ तो मुझे उलझन होती है, मेरे पास भी बैठ के करे मुझे मैं बड़ा इनके पास, फ्रस्ट्रेशन। हाँ मैं इनके पास बैठ के कोई जिस तरह आप कैंडी है, जिस तरह वो कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कुकम्बर वगैरह, उसमें क्रच क्रच की आवाज़ आती है, या आप नींबू तो मैं खा रहे नहीं हैं, करने देता हूँ, ये मुझे मुझे प्रॉब्लम पास है नहीं और बैठने ये देते। बिल्कुल नेचुरल है सर। ये समटाइम ऐसे होता है कि बाज लोगों के आप पास बैठते हैं तो वहां पे आपकी मजबूरी होती है पास बैठ के खाना, लेकिन मुझे उलझन होती है, मैं बड़ा पॉदर करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि समटाइम आपको जरूरी नहीं कि आप किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं आपकी पसंद का कंटेंट आपको मिले। अगर कंटेंट आपकी मर्जी का नहीं है यू कैन इग्नोर इट सिंपली। तो आप लोग जाके कंटेंट के ऊपर आप जजमेंटल और इस तरह के मैसेजेस जिससे आप एक तरह के डिसहार्ट करते हैं डिसहार्ट मुझे, करना। और मुझे बड़ा ज्यादा बुरा फील है। बल्कि वो है सब्सक्राइबर है वसीम नाम है शायद, वो मुझे आके स्पेशली कमेंट करते हैं और साथ बताते हैं कि मैं आपको डिसलाइक, भाई अगर आपको नहीं पसंद है, मैं कह रही हूँ वीलॉग भी इसमें बने हुए हैं, आप जाके वीलॉग देख लें या और डिफरेंट किस्म की वीडियोज हैं जिसमें मैंने कुछ बेनिफिट्स भी चीज़ों को बताए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और टूर की बड़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, आप वो देख लें। आपने अगर नहीं देखनी तो आप आके कमेंट भी करते हैं, बकायदा मुझे बताते भी हैं कि आपकी आपके इस तरह से करने से पूरी वीडियो में ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और एक आध बंदे का नेगेटिव आ जाए तो मैं बनाना तो नहीं छोड़ दूंगी, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगी। तो मैं कोशिश ये करती हूँ, मैं आप लोगों को बहुत कम यूट्यूबर हैं जो कि ये बात करते हैं, मैं वो यूजर को जो कमेंट होता है वो हाइड कर देती हूँ या मैं वो डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह से आप आके कमेंट करते हैं। इतने हम लोग अपने बिजी टाइम में से आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, और अगर आपने नहीं देखना तो इट्स ओके ना नहीं, देखें। यू यू कैन स्टिल एक्सप्रेस योर फीलिंग। आपके पास एक बटन है डिसलाइक का, लाइक और डिसलाइक का होता है ना प्लेयर पे, तो आप डिसलाइक कर दें। तो डिसलाइक डोंट, करने के बाद मुझे पूरा एक कमेंट और एक पूरा लेक्चर की दुनिया कहाँ की कहाँ तो पहुंच आप भी गई थोड़ी है। हिम्मत पैदा करें, हर तरह के लोग होते हैं। अब मैं नहीं समझता आपको डिस करे जो होना चाहिए। मेरा ख्याल है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इस चैनल पे सिर्फ ASMR से रेलिवेंट वीडियोस अपलोड करें, वीलॉग के लिए अलग या चैनल बनाएं। मुझे मेरे इस यूट्यूब फैमिली से ही रिक्वेस्ट आती है कि आप मुझे हिकअप्स की चैलेंज की आ रही है, मुझे डेली रूटीन की, कई ख्वातीन वो मुझे कह रही हैं कि डेली रूटीन अपनी शेयर करें तो हम वो देखना चाहते हैं, तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा उसमें ना चेंज कर देती हूँ ताकि जो लोग बोर हो रहे हैं। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि एक ही टेम्पो की वीडियो ना करूँ, कभी नेट पिकिंग की होती है, कभी ऑयलिंग की होती है, कभी नेक मसाज की होती है, कभी बालों की कटिंग की होती है, डिफरेंट होती है, साइना की स्टोरी की भी होती है, स्टोरी जो है वो भी मैं साथ साथ स्टोरी भी साइना को सुनाती हूँ, वो बड़े लोगों को वो जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। मदर और डॉटर का है,
मुझे तो पता एक कम्प्लीमेंट आया था, मुझे अब उनका नाम नहीं याद, वो कह रही थी कि मुझे सेम आपकी शक्ल भी, मुझे फेस कट भी अपनी माँ के जैसे, मेरी माँ की डेथ हो गई है मुझे फेस कट भी वही लग रहा है, और मुझे वो जो पहली फीलिंग होती थी ना, मेरी माँ मेरा सर देखती थी, तो मतलब मुझे इस तरह की पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आपकी स्टोरी सुनते सुनते हमें नींद आ जाती है, हम अपने चाइल्डहुड एरा में चले जाते हैं कि हम उस वक्त इस तरह से अपनी माँ से सुनते होते थे। तो आप इस तरह की वीडियोस देख लिया करें, बुरे कमेंट ना कीजिए किया करें प्लीज प्लीज प्लीज, इससे मैं बड़ा ज्यादा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस कंटेंट इज वर्थ अपलोडिंग और नॉट, जस्ट गो एंड रीड द कमेंट्स। आप जब कमेंट्स पढ़ेंगे वीडियो के नीचे, आपको रियलाइज होएगा कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो डजन ऑफ पीपल्स को इंटरटेन कर रही होती है, उनको सर्विस दे रही होती है। तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग होते हैं, मुझे वो करने थे इनको ना डिस्क्राइब करने थे, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, पुर्तगीज लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उसके अलावा बंगाल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया से तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है। मेरी अभी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो मुझे वहाँ से पहला कमेंट मुझे वहाँ से आता है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और जो नहीं भी प्यार करते उनके लिए भी मैं यही कहूँगी, बी हैप्पी। अक्सर मैं यही कह देती हूँ, बी हैप्पी यार, स्टे ब्लेस्ड और पॉजिटिव रहें। कोशिश तो ये करती हूँ, लेकिन मैं ये मत समझे कि यूट्यूबर जो है उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, हम लोगों के अंदर भी फीलिंग होती है, हम लोग फील करते हैं, अगर बुरा कमेंट करते हैं तो लाजमी नहीं है। समटाइम होता है कि सिचुएशन इस तरह की होती है कि आप गुस्से के मूड में होते हैं, आप कमेंट पढ़ते हैं और बुरा कमेंट होता है, तो फिर जाहिर सी बात है समटाइम आपको बुरा ही कमेंट रिप्लाई करना पड़ता है। समटाइम ये होता है कि पॉजिटिविटी के मूड में होते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं, आपको सजेशन दे देते हैं, आप और व्लॉग देख लें। और कुछ यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं, वो बार बार एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैंने आगे भी आपको बताया कि मैंने एक टेम्पो के हिसाब से चलना होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने नेक मसाज की वीडियो बनाई है तो मैं नेक मसाज की कर रही हूँ, या मैंने लाइसेंस की वीडियो बनाई है तो मैं लाइसेंस की कर रही हूँ, मुझे टर्न बाय टर्न चलना होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ न्यू भी ऐड करती जाऊँ, वो बेशक शॉर्ट वीडियोज़ क्यों ना हों तो मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि जो लोग बोर होते हैं वो उन वीडियो से जो है वो अपनी बोर्डम जो है वो दूर कर। Now you just be quiet and try to be relaxed. Okay. You go. चुड़ैल बनाया वो। यही ऑयल मूव करता हुआ सारा मेरे मुंह पे आ गया, मुंह पे लग रहा है, निकाल के ना स्टेप बाय स्टेप देखे बालों में, जहाँ नहीं लगा हुआ ना वहां पे भी लगाए, सारी स्कैल्प पे, ये देखिए यहाँ पे सारा आप लोगों को लगा है, वो बालों की वजह से बाल थे ना जिसके ऊपर वो आए, हां दो दिन से बड़ी स्ट्राइक छोटे से बड़े इसे तो मुझे ना बड़े लोग कहते हैं जो एक ही आईज बड़ी प्यारी है, स्पेशली आईलैशेस। जेरा आपने कहाँ से ली है? जो लोग कहते हैं कि आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं उनको थैंक यू बोलने से, सो थैंक यू और फ्लाई किस पे, व्हाट आर यू डूइंग गिव इट अप, दिस इज माय बॉयफ्रेंड, कैन हेल्प मदर। जेर का जब कहे ना कि जेर मुझे दबा दो, जब मुझे मेरा कोई और काम करते तब से कहते थे मेरी टांगों में इतनी दर्द हो रही है, जिसको जायना मेरी करती है, जायना
ये भी करता है, लेकिन जो है ना लेम एक्सक्यूजेस बड़े बनाता है। हाँ थक जाता है ना, घर के सारे काम जो करता है। ये क्या क्या करते हो आप? दीदी रात को डर डर के जाता है, इसको डर बड़ा। डर